मध्य प्रदेश सरकार के वित्त आर्थिक मंत्री और कटनी जिला प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा 2 दिवसीय प्रवास पर कटनी पहुंचे हैं। विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कलहरा और दीवरा में विकास यात्रा के सभा में आमजनों की बातें सुनी और क्षेत्र के विधायक संजय पाठक ने एक महिला सरपंच को मंच पर बुलाकर उसकी मंशा और उनके विचारों पर विचार किया। बता दें कि विकास यात्रा कटनी जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में आयोजित की जा रही है। वहीं प्रभारी मंत्री 2 दिवसीय प्रवास पर चारों विधानसभा के भ्रमण कर विकास यात्रा में शामिल हुए। का चाहिए त्रिपाठी जी कहा गए, मैं आपसे आपने 20 लाख का वो मांगा स्वागत की विकास यात्रा का मतलब कि विकास में कहीं कुछ छूटा तो नहीं, खाली सड़क बना देने से, खाली पुल पुलिया बना देने से, खाली स्कूल और बाउंड्री वॉल बना देने से विकास नहीं होने वाला। विकास तो तब है जब मोदी जी का सपना साकार होगा, जब शिवराज जी का सपना साकार होगा कि हर गरीब को उसकी सुविधा उसकी आवश्यकता अनुसार उसको चीजें मुहैया कराई जाए, शासन की सुविधाएं और शासन की योजनाओं का लाभ गरीब हितग्राही तक पहुंचे। आपने बनने वाला व्यक्ति बड़ा नहीं है, बनाने वाले बड़े हैं और बनाने वाली प्रजा है। आपने इसलिए बिठाया विश्वास के साथ, बड़े विश्वास के साथ आपने बिठाया कि भारत की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे तो विकास होगा, गरीबों का भला होगा।